श्रेणी के हिसाब से हम देखते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर कौन से प्लांट डेवलप हुए, टेडोफाइटा। टेडोफाइटा को कहा जाता है रेप्टिलिया ऑफ प्लांट किंगडम। टेडोफाइटा को भी फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं कहा जा सकता है। फर्स्ट लैंड प्लांट कौन से थे, ब्रायोफाइटा। सक्सेस इसके अंदर रूट स्टेम और लीफ डेवलप हो गए बट कंप्लीट सक्सेसफुली नहीं थे क्योंकि इनको भी वाटर की रिक्वायरमेंट थी फर्टिलाइजेशन के लिए। हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। सबसे पहले हैबिटेट, इसका आवास क्या है, ये कैसे स्थानों पर उगते हैं, ठंडे कूल डैम्प इन्हें दलदली जमीन के अंदर जहाँ पर इनको वाटर इजिली अवेलेबल हो जाए। दलदली जमीन होती है, सैंडी सॉइल होती है, तो वहां पर टेरिडोफाइट ग्रो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्लांट टू डेवलप वैस्कुलर टिश्यू। हमने देखा थैलोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे, ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट थे, टेरिडोफाइटा से वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है, टेरिडोफाइटा से। पर ध्यान रखिएगा इसके जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है। वेसल्स किसका यूनिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का। कुछ जिम्नोस्पर्म में एक्सेप्शनली मिल जाती है जैसे कि इफेड्रा में, नीटम में, वेल्वेशिया में, पर टेरिडोफाइटा के जाइलम में वेसल्स नहीं होती है। यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का, तो जाइलम में वेसल नहीं होती है। और फ्लोएम में हम पढ़ते हैं सीव ट्यूब पढ़ते हैं, सीव सेल पढ़ते हैं, सीव सेल प्रेजेंट होती है, सीव ट्यूब नहीं होती है। और इसके अलावा इसके अंदर कंपेनियन सेल ये भी इसमें नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा ये भी नहीं होती है कंपेनियन सेल और वेसल भी नहीं पाई जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम से, यानी वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं और सीड एब्सेंट होते हैं। ये प्लांट कौन से होते हैं, टेरिडोफाइटा। ट्रेक्योफाइट का मतलब है जिसमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, तो ये कैसे प्लांट है, ट्रेक्योफाइट। एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट थे ब्रायोफाइटा। इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है डिप्लॉइड यानी कि स्पोरोफाइट। इसकी डोमिनेट फेज जो होती है वो कौन सी होती है, स्पोरोफाइट। इन्हें वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, मेन प्लांट बॉडी लिख दिया मैंने स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट किस में डिफ्रेंशिएट होता है, स्टेम प्रेजेंट होता है, रूट प्रेजेंट होती है, लीव्स प्रेजेंट होती है, बट सीड और फ्लावर जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। टेरिडोफाइटा की हम बात करते हैं आगे, तो टेरिडोफाइटा में मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट कैसे होते हैं, होमोस्पोरस यानी कि समबीजाणविक, मतलब एक ही समान बीजाणु इसके अंदर पाए जाते हैं। और कुछ टेरिडोफाइट, 5 टेरिडोफाइट का मैंने एग्जांपल दिया है, कुछ टेरिडोफाइट कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस यानी कि विषम बीजाणविक। विषम बीजाणविक का मतलब दो तरह के स्पोर्स का पाया जाना, माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु और मेगा स्पोर यानी कि गुरु बीजाणु। तो आपको मालूम है टेरिडोफाइटा में मियोसिस डिवीजन भी कब होता है, स्पोर फॉर्मेशन के समय। हम यहाँ पर देखते हैं कुछ टेरिडोफाइटा के एग्जांपल जो कैसे हैं, हेट्रोस्पोरस, एजोला। आप पढ़ते हो सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है, एजोला। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी पढ़ते हो एजोला एनाबिडा के बारे में। आइसोइटीज आप जानते हो कि टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। जब आप एनाटोमी पढ़ते हो तो पढ़ते हो कि टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, बट एक्सेप्शनली अफवाह रूप किसमें पाई जाती है, तो वो किसमें होती है, आइसोइटीज में। तो ध्यान रखिएगा मैंने एग्जाम्पल आपको बताया एजोला, एम्स याद कर सकते हो आप, एजोला, आइसोइटीज, मार्शिलिया, सिले जिनेला, संजीवनी बूटी भी कहा जाता है सिले जिनेला, और साल्विनिया। ध्यान रखिएगा इस प्लांट का नाम क्या है, साल्विनिया। और ध्यान रखिएगा साल्विया अलग होता है, साल्विया किसमें आता है, एंजियोस्पर्म में। ये कौन सा प्लांट है, साल्विनिया। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल है वह टेरिडोफाइटा है जिसमें दो प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस विषम बीजाणविक, एम्स, एजोला, आइसोइटीज, मार्शिलिया, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। साल्विनिया ध्यान दीजिएगा क्या है, साल्विनिया। और आइसोइटीज में अफवाह स्वरूप आइसोइटीज में एक्सेप्शन है ये, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि जो है वो इसके अंदर पाई जाती है।
सेकेंडरी ग्रोथ, जैसे टेरिडोफाइटा में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। फिर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है मैंने, सीट टेरिडोफाइटा में नहीं पाई जाती, पर सीट हैबिट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? टेरिडोफाइटा से। टू टाइप के स्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर, जो सीड फॉर्मेशन के लिए कंडीशन जरूरी है। और सेकंड सीड फॉर्मेशन के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है? एंडोस्पोरिक कंडीशन जरूरी है, जर्मिनेशन की बात हम करते हैं। तो सीड हैबिट का डेवलपमेंट फर्स्ट बार किससे हुआ है? हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा से, सिलेजिनेला जैसे प्लांट से स्टार्टिंग हुई है सीड हैबिट की। यदि टू टाइप के स्पोर्स बनेंगे तो किसका डेवलपमेंट होगा? सीड का। सीड का डेवलपमेंट टेरिडोफाइटा में नहीं हुआ है। सीड का डेवलपमेंट कहाँ पर होगा? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में कैसे सीड मिलेंगे? नेकेड सीड। तो ये मैं टेरिडोफाइटा को बताया, एक बार इसको मैं और आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ। टेरिडोफाइटा को फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। आपके सिलेबस में आउटलाइन ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, ध्यान रखिएगा टेरिडोफाइटा के जनरल करेक्टर्स अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके एग्जाम्पल्स को ध्यान रख लीजिए। आपको एमसीक्यू देना है बेटा, पेपर का पैटर्न आपका ध्यान है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को कीजिएगा। कम्प्लीटली आपको चार्ट नहीं बनाना है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बनाया है। टेरिडोफाइटा को डिवाइड किया गया है फर्स्ट क्लास, इसकी साइलोपसीडा प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा इसके अंदर आते हैं, जिसका एग्जाम्पल है साइलोटम लिविंग फॉसिल, जीवित जीवाश्म। क्लास है लाइकोपसीडा, जिसको बोलते हैं क्लब मॉसेस। मॉसेस हमने किससे पढ़े थे? ब्रायोफाइटा में। क्लब मॉस किस में आ रहा है? टेरिडोफाइटा में, जिसके एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। अभी मैंने बात की थी सिलेजिनेला, और जब भी कौन से एस्ट्रोबिलस की बात होती है तो वो सब किसकी बात होती है? टेरिडोफाइटा की, लाइकोपसीडा। उसके बाद में स्फेनोपसीडम, स्फेनोपसीडा में आते हैं हॉर्सटेल। कौन से प्लांट आते हैं हॉर्सटेल किस में आते हैं? टेरिडोफाइटा में, और इसका एग्जाम्पल है इक्वीसीटम। लास्ट इसकी क्लास, सबसे एडवांस क्लास है इसकी टेरोप्सीडा फिलिसिनी, जिसमें आते हैं फर्न। जो लार्जेस्ट ग्रुप है वो कौन सा है? फर्न। और इसके एग्जाम्पल देखिएगा टेरिस, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस। याद रखिएगा टेरिस, टेरिडियम और ड्रायोप्टेरिस, ये सब किस में आते हैं? टेरिडोफाइटा में, टेरी और टेरिस। एडीएंडम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न या मेडन हेयर फर्न। मैडन हेयर का मतलब होता है जिस चोटी के बाल गूंथते हैं ना, उसे कहा जाता है मैडन हेयर। तो एडिएंडम को बहुत फास्टली इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, इधर भी चला इधर भी चला, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वॉकिंग फर्न, एडिएंडम। एजोला अभी मैंने बताया था, सबसे जो छोटा टेरिडोफाइटा है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? एजोला। और इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवी संबंध किसके साथ में होता है? एनाबीना के साथ में, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। एक्वेटिक फर्न कौन सा है? एजोला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आप नाम सुना होगा ऑस्मुंडा हैकिया, हमने जब प्लांट एनाटॉमी में पढ़ा था, किसने पढ़ा था प्लांट एनाटॉमी में? स्क्लेरिन काइमा में हैकिया एंड ऑस्मुंडा, जिसके अंदर ऑस्टियोस्क्लेरिट्स आपने पढ़ा होगा। तो ऑस्मुंडा जो है वो क्या है? रॉयल फर्न। ये इतने एग्जाम्पल्स में लिख दिए टेरिडोफाइटा, अगर क्वेश्चन पूछाता है इतना आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी है, आउटलाइन के हिसाब से इतना बहुत है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में जानेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा जिम्नोस्पर्म। अब देखिएगा टेरिडोफाइटा के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी है, टेरिडोफाइटा कैसे प्लांट होते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें समानी पादप होते हैं पर इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। समन्वय तक स्टार्टिंग कौन से प्लांट से हुई है? टेरिडोफाइटा से। डोमिनेंट फेज इसकी याद रखेगा, ये स्पोरोफाइट होती है। और याद रखिएगा इसमें स्पोरोफाइट बेचारा नहीं है, वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है स्पोरोफाइट। ठीक है, डिप्लॉइड फेज को कहा जाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट अलग है, गैमेटोफाइट अलग है, मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके अंदर मिलता है। लाइफ साइकिल वही हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इसके अंदर पाई जाती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल सकते हो, डिप्लो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इसको बोल सकते हो। टेरिडोफाइटा में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ, मतलब प्लांट बॉडी का डिफरेंशिएशन जो है वो कहाँ से हुआ है? टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइटा से स्टार्टिंग हो गए, ट्रू रूट्स प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है और लीफ प्रेजेंट है, सीड और फ्लावर इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। और स्पोरोफाइट इसकी डोमिनेंट फेज होती है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स पर ध्यान रखिएगा, साइलोटम, सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, बच्चे ऐसे भी याद रखते थे बेटा, सेल्फ
मतलब मैं एग्जांपल दी हूं, ऐसा सारा एग्जांपल आपको करना पड़ेगा, सिले जिनेला, इक्विसीडम, लाइकोपोडियम और फर्न। फर्न की जब हम बात करते हैं तो फर्न में बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, टेरिस, टेरिडियम, ड्रायोप्टेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एडिएंटम, वॉकिंग फर्न, एडिएंटम याद रखिएगा, वॉकिंग फर्न एंड मेडन हेयर फर्न। मेडन हेयर ट्री अलग होता है, ये क्या है, मेडन हेयर फर्न। फर्न को अच्छी तरह से याद रखिएगा। एक्वेटिक फर्न या जलीय फर्न कौन सा होता है, एजोला। एजोला किसके साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, किसके साथ में सहजीवी संबंध दर्शाता है, एनाबीना निहरित शैवाल के साथ में दर्शाता है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा है, कौन से, एस्ट्रोबिलस से, टू टाइप के स्पोर्स बनते हैं टेरिडोफाइटा में, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा होते हैं उसके अंदर दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं, मेगा स्पोर बनते हैं। और कब होता है मियोसिस डिवीजन, स्पोर फॉर्मेशन के समय जो होता है मियोसिस डिवीजन होता है। स्पोरोफाइट इसकी डोमिनेट फेज है और गैमेटोफाइट फेज अलग है, स्पोरोफाइट फेज अलग है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके अंदर पाया जाता है। और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। मेल गैमेट कैसे होते हैं, मोटाइल मेल गैमेट होते हैं, क्या कहा जाता है उसको, एंथ्रोजॉइट कहा जाता है, वो स्विमिंग करते हुए। वही मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की। एंथ्रोजॉइट यहाँ पर आ जाते हैं, मल्टी फ्लेजिलेट एंथ्रोजॉइट होते हैं, फीमेल गैमेट तक पहुँचते हैं। ये है टेरिडोफाइटा की कंप्लीट लाइफ साइकिल।